तो बस मैं अभी आके रुका ईदगाह पे, सनसेट होने वाला है और वेदर बहुत ही खूबसूरत है आज। यहाँ पर कुछ बच्चे लोग यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं फिलहाल, तो मैं इधर रुका हूँ एक छोरे भाई के लिए आएगा और उसको लेके थोड़ा टाइम घूमने के लिए। तो जाने तो वाले हैं एक्चुअली ऐसे ही घूमने के लिए, एक अच्छा लोकेशन है थोड़ा दूर, यहाँ से करीब 5 किलोमीटर होगा। तो वही थोड़ा बाहर निकले हैं तो सोचा कि एक ब्लॉग बना ही लिया जाए, आप लोगों को भी दिखाया जाए क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। सो देखते रहिए, बस निकलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो गाइस फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं अभी, लेकिन थोड़ा लेट हो गया क्योंकि अचानक से बारिश आ गया था और हमें थोड़ा रुकना पड़ा उधर ही। और अभी बारिश के कारण मतलब क्या ही ब्यूटीफुल वेदर, और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है पूरा वेदर। और ये सब छोड़िए, मैंने तो आज इंट्रो ही नहीं दिया। सो हेलो नमस्ते नमस्कार, माय नेम इज जेरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जेरी ब्लॉग्स। तो मोटर ब्लॉगिंग तो नहीं कर सकता क्योंकि क्या करें यार, गाड़ी बद में है यार, अपने पास गोप्रो भी नहीं है। और अभी आएगा मोबाइल माउंट करने के लिए, मैंने वो मोबाइल का जो माउंट रहता है हेलमेट पे माउंट करूंगा मैं, शायद वही सोच रहा हूँ। क्या करें यार, मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हूँ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी है जुगाड़ से चलना। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ग्वालपरा में आ रहे हैं निको ब्लॉग्स, हमारे निको भाई बहुत जल्द ग्वालपरा में आएंगे। कल MMS ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया, वो लोग आएंगे ग्वालपरा में बहुत जल्द। तो जो लोग निको से मिलना चाहते हैं वो लोग आज है, मीटअप पॉइंट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, जब भी फिक्स होगा मैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे दे दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, आप लोग चेक कर लेना। और कोई भाई बंधु अगर मेरा भी कोई सब्सक्राइबर वगैरह है, कुछ इज्जत मुझे भी दे दो यार, कोई अगर है मुझे मिलने चाहते तो आ जाना यार, वहाँ पर निको के यहाँ पर निको का मीटअप होगा, वहाँ पर मैं भी रहूँगा, तो आ जाइए हमसे भी थोड़ा मीटअप सीटअप कर लीजिए, हमें भी खुशी होगी दिल से बहुत। और साथ में MMH भी रहेगा, तो MMH निको और मैं, तो हम तीनों से मिल लीजिएगा। तो सामने देखिए यार क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। तो हम लोग जा रहे हैं गोविंदपुर, थोड़े आगे जाने के बाद अभी हम लोग लेंगे लेफ्ट एंड उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे गोविंदपुर रोड। अभी तो हम लोग पहुंच चुके हैं इधर, तो इसी रोड से हमें जाना है आगे। और आगे जाते 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 हमें ऐसे ही मतलब मैं हमेशा एक ही जगह पर जाता हूँ, एक लोकेशन है उधर जहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पर जाने के, कभी कभी इवनिंग में आके मैं वहाँ पर चिल करता हूँ एकदम। अभी ये देखिए, ये है असली व्यू आज का, मतलब क्या ही खूबसूरत लग रहा है यार। कभी मतलब सारा चारों तरफ ब्लू होगा, कभी ब्लैक होगा, कभी येलो ग्रीन रेड, सभी कलर मतलब मिक्सा करके आप लोग को हमेशा हमको एक बेहतरीन मतलब व्यू देने की कोशिश करा। तो गाइस मैं जा रहा था सामने, लेकिन राइट साइड पे जो व्यू मिला मेरे को भाई साहब, देखिए आप लोग एक बार इसको, देखने के बाद मतलब मैं रुक गया पूरा कि इतना सुंदर व्यू अभी जो है। और अभी सनसेट होने वाला है, मतलब या क्या है यार नेचर, क्या क्या दिखाता है हम लोगों को, मतलब कितना खूबसूरत है यार नेचर, चारों तरफ मतलब एक अलग अलग तरह का व्यू मिल रहा है। हाँ तो चलते हैं और आगे जाने, जहाँ पर मैं चिल करता हूँ वहाँ पर चलते हैं। और मैं पहुँच चुका हूँ वहाँ पर जहाँ पर मैं कभी कभी मतलब इवनिंग में आके चिल करता हूँ, क्योंकि सामने जो व्यू है मेरे वो आप लोगों को अभी मैं दिखाता हूँ कितना खूबसूरत है। मतलब सच में हमारे ग्वालपरा में ऐसा बहुत सारे लोकेशन है जहाँ पर मतलब एकदम अलग ही लेवल का फील होता है, नेचर का एकदम पूरा नेचर का फील मिलता है, बहुत ही ज़्यादा पीस शांति है, कोई भी इधर ज़्यादा शोर नहीं होता है क्योंकि टाउन से थोड़ा अंदर है ये, इसलिए ज़्यादा शोर नहीं होता है। मेरे सामने जो व्यू है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कितना खूबसूरत व्यू है, ये देखिए व्यू कितना खूबसूरत है। और थोड़ी देर पहले और ज़्यादा अच्छा व्यू था, लेकिन अभी थोड़ा देर हो गया क्योंकि जब मैंने पहले जब जिधर रुका था उधर बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, लेकिन अभी पूरा सनसेट हो गया है इसलिए थोड़ा व्यू थोड़ा ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत चिल रहा है इधर पीस एकदम। ये जो पहाड़ है ये है पंचरत्न पहाड़, और हम लोग जब नॉर्दर्न से जाते हैं तो रोड इस तरफ से है, इस तरफ से नॉर्दर्न ब्रिज में जाते हैं, लेकिन उसी रोड से लेफ्ट टर्न लोगे तो ये रोड मिलेगा गोविंदपुर रोड। और आके इस जगह पे आप लोग आइए, मतलब एकदम पीस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये जगह। मैं अभी थोड़ा इस तरफ जाऊँगा, यहाँ पर और भी ज़्यादा खूबसूरत है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इस तरफ एक छोटा सा झील
दूसरी तरफ ये भी, मतलब एक्चुअली ये सीजन ऐसा है बारिशों का सीजन, मॉनसून चल रहा है, तो इसीलिए अभी यहाँ पर पानी है, लेकिन जब उंधर आता है तब यहाँ पर ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ये सब ये वो जो किसान लोग होते हैं तो उन लोगों का खेती है इधर, यहाँ पर धान का खेती है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर धान का खेती करा जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर पूरा पानी हो गया। बहुत ही खूबसूरत है ये, और ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी टावर है इधर, इधर से पूरा इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, उस तरफ एक टावर, फिर दूसरी तरफ टावर, ऐसे ही। जो शांति मिल रहा है इधर वो आप लोग को मैं बयान नहीं कर सकता, इतना ही शांति है इधर। तो यही था एक छोटा मोटा ब्लॉक, क्योंकि बाहर तो नहीं जा पा रहा हूँ, लास्ट ब्लॉक में बोला था आप लोगों को, लेकिन ब्लॉक आएगा आज जो नया एसओपी निकला है, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था कि 16 अगस्त से इंटर डिस्ट्रिक्ट खोल दिया जाएगा, तो मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट खोलते ही जाऊँगा गोलाघाट, तो गोलाघाट में आप लोगों को मिलते हैं एकदम नए नए ब्लॉक के साथ। बीच में शायद ब्लॉक आएगा और शायद नहीं भी आएगा, पता नहीं, अगर कुछ ऐसा मिलेगा अच्छा लोकेशन तो मैं आप लोगों को ज़रूर कुछ दिखाने की ट्राई करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो कुछ प्लान नहीं है, अगर प्लान होता तो दिखाऊंगा। और 16 अगस्त के बाद मैं गोलाघाट जा रहा हूँ, तो वहाँ पर बम्पर ब्लॉक्स आएंगे गोलाघाट में जाके, सो स्टे ट्यून, सपोर्ट करते रहिए। तो बस यही था आज के ब्लॉक में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए कैसा लगा ब्लॉक, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहले बार आए हैं मेरे चैनल पे, और साथ में नोटिफिकेशन बिल भी दबा दिया कि मेरे अगले आने वाले वीडियो से उनका आप लोगों को मिल जाए। सो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर द वीडियो, फाइट।